सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है, क्योंकि यहां पर काफी सारी चीजें मानते हुए उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अगस्त में जो हमारे लिए हेल्थ सबसे पहले है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। बट आज की डेट में हम लोग पैसे के लिए इतना भाग रहे हैं कि हम लोग अपनी हेल्थ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और आप 5 साल 10 साल में जितना कमाते हैं एक ही बार बीमारी में वो सारा बैंक बैलेंस, जितना सोना बनाया है, जितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, सब चली जाती है। बट शॉर्ट क्लियर है ना। सो अभी हम लोग हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। सो दीज आर रीजंस ऑफ डिसीज। रीजंस ऑफ डिसीज का मतलब है एक मेल और फीमेल में बीमारी आने के कारण क्या क्या है, कुछ एक मेजर में डिसीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। रीजन सबसे पहले लिखा है यहां पे स्क्रीन में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं एनी फूड विच इज कुक्ड, कुक्ड का मतलब पका लिया, जिसको गैस के ऊपर रख दिया, तो कोई भी कुक्ड फूड होगा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। सो जब न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाता है तो आपके ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिससे आपके ऑर्गन सड़ने या डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं स्लोली। ठीक है, अब मेडिकल साइंस ने जितना भी तरक्की किया है, अभी हम लोग 2023 के अंदर आ चुके हैं, आज की डेट में बता रहा हूं मेडिकल साइंस ने कितना भी तरक्की किया है, बट आज भी वो इंसान के शरीर की बीमारी नहीं पकड़ सकता अर्ली स्टेज में। उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कैंसर किसी को भी हो पूरे वर्ल्ड में, जब तक वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में नहीं पहुंचाता पकड़ में नहीं आता। सही है कि गलत है? किसी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर पकड़ में किडनी होती है किडनी नहीं होती, रीजन समय से पहले आप उनकी डिलीवरी करवाते हैं, ऑर्गन बन ही नहीं पाता, आप उसको सिजीरियन ऑपरेशन करवा के लेके आ जाते हैं। इसी तरीके से किसान भाई लोग जो है केमिकल यूज करके समय से पहले फल और सब्जियों को पकाने का काम करते हैं, ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़ पाए, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, क्योंकि उनको तो सब्जी मंडी में किलो के हिसाब से बेचना है ना, क्वालिटी तो बेचेगी, तो ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो लोग क्या 75 70 65 60 55 50, यही रीजन है जितना क्या। और आज जो हमारी छोटी जनरेशन बढ़ रही है उनका एज स्पैन और छोटा, क्यों? क्योंकि वो तो लोग तो बचपन से ही हाइब्रिड खा रहे हैं, और हम लोग उनको पूरा दिन जंक फूड खिलाते हैं, मोमोज चिली पोटैटोस बर्गर पिज्जा पेप्सी, ये जितना जंक फूड है। इसीलिए आज की डेट में छोटे बच्चों को 12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, 7 साल के बच्चे को बोन मैरो कैंसर हो जाता है, 7 साल का बच्चा मतलब अभी तो उसके पूरे ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुए, उसने भी जिंदगी में कुछ नहीं देखा और उसको कैंसर भी हो गया, 4 साल के बच्चे इतने बड़े बड़े चश्मे लगा के घूम रहे हैं। रीजन जितना केमिकल जितना टॉक्सिन जितना जहर हम अपने अंदर डालेंगे वो हमारे ऑर्गन को सड़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब कीटनाशक दवाई। इसका मतलब होता है छोटे छोटे बग्स को मारने के लिए काम आती है, इसलिए पेस्टिसाइड कहते हैं ना, यानी किसी और जीव को मारने के लिए काम आता है पेस्टिसाइड। तो किसान लोग इस पेस्टिसाइड को अपनी फसल में यूज करते हैं और हम लोग इस पेस्टिसाइड को अपने पेट में डालते हैं। इसीलिए आज की डेट में 2023 अगर आप WHO का रिपोर्ट स्टडी करेंगे गूगल में, 2022 कोविड के बाद से कैंसर और हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों का रेशो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले अगर 50,000 लोग मरते थे तो आज 85,000 लोग मरते हैं एक साल में। रीजन पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब है जहर जो किसी जानवर को हम दे रहे हैं, चूहे को मार रहे हैं, मक्खी को मार रहे हैं, कॉकरोच को मार रहे हैं, पॉइजन। तो पॉइजन आप लोग कैसे खा सकते हो, बट ऑप्शन नहीं है आपके पास, बिकॉज आपको फल और सब्जी में तो यही मिल रहा है ना, वो यूरिया फसल में डाल रहे हैं, आप वो फसल खरीद के अपने यूरिया पेट में डाल रहे हो, देयर इज नो ऑप्शन। सो इस सेशन के बाद मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स और क्वेश्चन रहेंगे वो सभी लूंगा मैं किसी भी बीमारी के ऊपर। इलाज लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें नहीं मिलता है, जैसे हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, लीवर डिसीज और
कैंसर, ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को 45 मिनट सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है, क्योंकि यहां पर काफी सारी चीजें ऐसी होगी और इन 45 मिनट्स में मैं आपकी शरीर, आपके ऑर्गन और बीमारियां वो सब मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, किस तरीके से बीमारी होती है और हम किस तरीके से फाइटोविज की हेल्प से इसे क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं भक्ता सर और उनकी टीम और आईबॉस इंटरनेशनल के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। सो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है हेल्थ और वेल्थ, दिख रहा है सबने स्क्रीन पे देखना है। हेल्थ और वेल्थ का मतलब क्या होता है? एक तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरा सबसे, 45 मिनट्स के लिए आप लोग अपना मोबाइल जो है वो प्लीज साइलेंट मोड पे डाल दें या एयरप्लेन मोड पे डाल दें, क्योंकि ये जो फ्लाइट चलने लगी है हेल्थ की ये 45 मिनट का है, तो आप 45 मिनट के लिए, बिकॉज उसका रीजन ये है अगर किसी का जरूरी कॉल आता है तो आप लोग बाहर जाके अटेंड कर लीजिए, नो इश्यूज। बट आपका जब बेल बजेगा तो आपके पड़ोस वाला डिस्टर्ब होगा और हो सकता है जो कंटेंट चल रहा है वो उसको जरूरी सुनना है कि मैं किसी बीमारी के बारे में बता रहा हूं और वो वाकई में सुनना चाहता है और उसका कोई घर वाला या कोई पड़ोस में उस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, यानी उसका वो ट्रीटमेंट मैं उसका बता रहा हूं। तो इसीलिए प्लीज 45 मिनट्स के लिए मोबाइल को। तो अभी हम लोग हेल्थ और वेल्थ की बात कर रहे थे। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना है आपको, आप अपना वेल्थ यानी पैसा खोने के बाद दोबारा कमा सकते हैं, जितना भी नुकसान हो जाए 1 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, ठीक है, दोबारा आप कमा सकते हैं। बट अगर आपका हेल्थ चला गया, आप लोग 100 करोड़ लगा के भी अपना एक ऑर्गन नहीं बचा सकते, मानते हो ये बात? उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अगस्त में इंडिया के अंदर मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का डेथ हुआ हार्ट अटैक से, सुना होगा आप लोगों ने न्यूज में, उनका हार्ट अटैक और लीवर काम नहीं कर रहा था। उनके पास नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी मिला के नेट एसेट जो है वो है 32,000 करोड़, कितना 32,000 करोड़। और उनका मरने से पहले एक ही स्टेटमेंट आया था विच इज पब्लिश हुआ था, आप न्यूज में अभी भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उन्होंने बोला था इस 32,000 करोड़ कमाने के साथ अगर मैं थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखता तो आज मैं इस 32,000 करोड़ को एंजॉय कर सकता था। तो मतलब 32,000 करोड़ उनके एक ऑर्गन को नहीं बचा पाया, एक हार्ट को नहीं बचा पाया। सो हमारे लिए हेल्थ सबसे पहले है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। बट आज की डेट में हम लोग पैसे के लिए इतना भाग रहे हैं कि हम लोग अपनी हेल्थ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और आप 5 साल 10 साल में जितना कमाते हैं एक ही बार बीमारी में वो सारा बैंक बैलेंस, जितना सोना बनाया है, जितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, सब चली जाती है वन शॉट, क्लियर है ना? सो अभी हम लोग हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। सो दीज आर रीजंस ऑफ डिसीज। रीजंस ऑफ डिसीज का मतलब है एक मेल और फीमेल में बीमारी आने के कारण क्या क्या है, कुछ एक मेजर मैं डिसीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। रीजन सबसे पहले लिखा है यहां पे स्क्रीन में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? हम लोग जो भी खाना खाते हैं, एनी फूड विच इज कुक्ड, कुक्ड का मतलब पका लिया, जिसको गैस के ऊपर रख दिया, तो कोई भी कुक्ड फूड होगा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। सो जब न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाता है तो आपके ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिससे आपके ऑर्गन सड़ने या डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं स्लोली, ठीक है। अब मेडिकल साइंस ने जितना भी तरक्की किया, अभी हम लोग 2023 के अंदर आ चुके हैं, आज की डेट में बता रहा हूं, मेडिकल साइंस ने कितना भी तरक्की किया है बट आज भी वो इंसान के शरीर की बीमारी नहीं पकड़ सकता अर्ली स्टेज में। उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कैंसर किसी को भी हो पूरे वर्ल्ड में, जब तक वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में नहीं पहुंच जाता पकड़ में नहीं आता, सही है कि गलत है? किसी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर पकड़ में आया आज तक? कभी नहीं आया और आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो है वो कभी भी डायग्नोज
नहीं होती है। सो डायग्नोज होने का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट स्टेज में कैंसर होता नहीं है, होता है ना, उसके बाद सेकंड आती है, फिर थर्ड आती है, बट वो पकड़ में कब आता है, सीधा थर्ड या फोर्थ स्टेज में। मैडम आप बात कर रहे हैं, प्लीज साइलेंट हो जाए कोई। सो ये एक बहुत बड़ा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हार्ट, हार्ट की आर्टरीज, वेन्स, जब तक 70% ब्लॉक नहीं हो जाती वो मशीन में नहीं आती। सो मेडिकल साइंस ने अभी तक जितना भी एडवांस तरक्की किया है, हमारे ऑर्गन को अभी भी पकड़ने में वो नाकाम है और फेल है। 70% का मतलब हो गया आपका हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है 70% ब्लॉक हो चुका है। उसके बाद अगर पकड़ा तो क्या पकड़ा? तो ये जो फाइटोबिस प्रोडक्ट है जिसके हम लोग समझने जा रहे हैं, ये अर्ली स्टेज यानी फर्स्ट से भी छोटी स्टेज में आपके ऑर्गन को वापिस ठीक करने का काम करेगा। वो धीरे धीरे स्लाइड्स में मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड फ्रूट्स और वेजिटेबल। हाइब्रिड का मतलब होता है एनी लिविंग, लिविंग मतलब जिंदा चीज, एनी लिविंग चीज जो समय से पहले धरती पे आ जाए, उसमें इंसान का बच्चा भी है। जैसे आज की डेट में हम लोग प्री मेच्योर डिलीवरी करवाते हैं समय से पहले, 8 महीने में, 7.5 महीने में, दैट इज हाइब्रिड, मतलब समय से पहले जो बच्चे डिलीवर होते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो आज की डेट में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कई बच्चों मंद बुद्धि होते हैं, काफी बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके दिल में छेद होता है, एक किडनी होती है, एक किडनी नहीं होती। रीजन, समय से पहले आप उनकी डिलीवरी करवाते हैं, ऑर्गन बन ही नहीं पाता, आप उसको सिजीरियन ऑपरेशन करवा के लेके आ जाते हैं। इसी तरीके से किसान भाई लोग जो है केमिकल यूज करके समय से पहले फल और सब्जियों को पकाने का काम करते हैं ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़ पाए, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, क्योंकि उनको तो सब्जी मंडी में किलो के हिसाब से बेचना है ना, क्वालिटी तो बेचनी नहीं, तो ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो लोग केमिकल यूज करते हैं। और जब हम ये फल और सब्जी खाते हैं तो हमारे ऑर्गन इस केमिकल से, आर्टिफिशियल टॉक्सिन से सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज की डेट में अगर जो लोग बड़ी एज के बैठे हैं, आज की डेट में हमारा एज स्पैन, एज स्पैन मतलब एज, पहले 85-80 होता था, 75-70, 65-60, 55-50, यही रीजन है। जितना क्या, और आज जो हमारी छोटी जनरेशन बढ़ रही है उनका एज स्पैन और छोटा, क्यों? क्योंकि वो तो लोग तो बचपन से ही हाइब्रिड खा रहे हैं और हम लोग उनको पूरा दिन जंक फूड खिलाते हैं, मोमोज, चिली पोटैटोज, बर्गर, पिज्जा, पेप्सी, जितना जंक फूड है। इसीलिए आज की डेट में छोटे बच्चों को, 12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, 7 साल के बच्चे को बोन मैरो कैंसर हो जाता है। 7 साल का बच्चा मतलब अभी तो उसके पूरे ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुए, उसने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा और उसको कैंसर भी हो गया। 4 साल के बच्चे इतने बड़े बड़े चश्मे लगा के घूम रहे हैं, रीजन, जितना केमिकल, जितना टॉक्सिन, जितना जहर हम अपने अंदर डालेंगे वो हमारे ऑर्गन को सड़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब कीटनाशक दवाई, इसका मतलब होता है छोटे छोटे बग्स को मारने के लिए काम आती है, इसीलिए पेस्टिसाइड कहते हैं ना, यानी किसी और जीव को मारने के लिए काम आता है पेस्टिसाइड। तो किसान लोग इस पेस्टिसाइड को अपनी फसल में यूज करते हैं और हम लोग इस पेस्टिसाइड को अपने पेट में डालते हैं। इसीलिए आज की डेट में 2023, अगर आप WHO का रिपोर्ट स्टडी करेंगे गूगल में, 2022 कोविड के बाद से कैंसर और हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों का रेशो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले अगर 50,000 लोग मरते थे तो आज 85,000 लोग मरते हैं एक साल में, रीजन, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब है जहर जो किसी जानवर को हम दे रहे हैं, चूहे को मार रहे हैं, मक्खी को मार रहे हैं, कॉकरोच को मार रहे हैं, मिर्च पॉइजन। तो पॉइजन आप लोग कैसे खा सकते हो, बट ऑप्शन नहीं है आपके पास, बिकॉज आपको फल और सब्जी में तो यही मिल रहा है ना, वो यूरिया फसल में डाल रहे हैं, आप वो फसल खरीद के अपने यूरिया पेट में डाल रहे हो, तो देयर इज नो ऑप्शन। सो इस सेशन के बाद मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स और क्वेश्चन रहेंगे वो सभी लूंगा मैं किसी भी बीमारी के ऊपर। उसके बाद आता है टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, इन तीनों को मैं एक साथ ले लेता हूं।
अगर मैं आपको इस सेशन में बोलता हूं कल से आपको और आपकी फैमिली को 5 बादाम एलमंड्स और 5 कैशू यानी काजू सबको खाने हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के लिए ड्राई फ्रूट बहुत जरूरी होता है, इससे हमारी बॉडी को लुब्रिकेंट मिलता है। लुब्रिकेंट मतलब ऑयल। हमारी बॉडी भी एक मशीन है, इसको जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट चाहिए, तो लुब्रिकेंट कहां से मिलता? नट्स से, ड्राई फ्रूट से। सो अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर आपको फैमिली में ये चीजें खानी है, तो मेरे पास एक आंसर आता है आप लोगों के दिमाग में यही होगा कि सर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज बादाम और काजू महंगा आता है, 1000 रुपए या पता नहीं इतने रुपए किलो होगा, दिल्ली में तो 800 रुपए किलो है। अब जो लोग तंबाकू स्मोकिंग और अल्कोहल यूज करते हैं, अगर एक इंसान एक दिन में 100 रुपए की सिगरेट पीता है या 300 रुपए की शराब पीता है, तो महीने के वो 10,000 रुपए अपने इनके ऊपर खर्च करता है। क्लियर है सर? तो अगर हम लोग महीने का 10,000 रुपए अपने इस व्यसन पे खर्च कर सकते हैं, तो अगर हम 10,000 रुपए के काजू और बादाम खरीद लेते हैं 10,000 रुपए के, तो 6 महीने खत्म नहीं होगा सर। तो मिडिल क्लास हम नहीं है, मिडिल क्लास हमारी सोच है। आपने दिमाग में यह डाल रखा है सिगरेट जो है 20 रुपए की वो सस्ती है और 700 रुपए के बादाम जो है वो महंगे हैं। तो ये जो खेल है ये आपके माइंडसेट का गेम है कि आपको हेल्दी चीज जो है, अगर मैं आपको बोलता हूं फ्रेश फ्रूट जूस पीना है 50 रुपए का, तो आप बोलते हो महंगा है, और 500 रुपए की शराब की बोतल सस्ती है। सो दिस इज द गेम ऑफ यूर माइंड। आपने अपने माइंड को ट्रेंड कर रखा है किस बारे में? जूस महंगा, शराब सस्ती। तंबाकू का कॉस्ट आता है 4,000 रुपए किलो, सिगरेट का कॉस्ट आता है 7,000 रुपए किलो, तो उससे तो सस्ता ही है बादाम। जूस आता है आधा लीटर 40 या 50 रुपए का, शराब की बोतल कम से कम 300 रुपए की आती है। क्लियर है ना सर? सो आपको अपना माइंडसेट, ये ट्रेनिंग का मतलब ये भी है कि आप लोग जिस गलत ढंग से अपना जीवन जी रहे हैं और अपनी फैमिली को जिस गलत ढंग से खाना पीना खिला रहे हैं वो भी बंद करवाना है, ताकि आज के बाद और ज्यादा बीमारी नहीं फैले। सो इसके बाद आता है स्ट्रेस। जब मैं स्ट्रेस की बात करता हूं, यहां पर अभी 100 लोग बैठे हैं, तो आप में से ईमानदारी से आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, सभी मेल फीमेल जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रात को 11 बजे सोना शुरू करते हैं और उनको रात को 1 से 2 बजे तक नींद नहीं आता? ठीक है, जिन लोगों ने हाथ नहीं भी खड़े करे, 60 से 70% लोग ऐसा है जिनके साथ रेली ऐसा होता है, और वो 2 घंटे अपने मोबाइल या टीवी पे अपनी आंखों और दिमाग को थका के फिर सोते हैं। उसका रीजन, और आज की जितनी यूथ है, यूथ मतलब यंग जनरेशन 14, 15, 16 की एज की, वो तो सारा का सारा ही ऐसा 100 में से 100। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सुबह जब पापा उठते हैं 5 बजे तब सोते हैं कि पापा देखने ले अभी तक सोया नहीं है। अब उससे होता क्या है, आप अगले दिन जब उठते हैं तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसी वजह से आज की डेट में स्ट्रेस और डिप्रेशन की बीमारी और नींद नहीं आने की बीमारी, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, रीजन स्ट्रेस। स्ट्रेस का कोई पैरामीटर नहीं है। देखिए, आपकी शरीर के अंदर 2 चीजें काम करती है मेन, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर है आपका दिमाग और हार्डवेयर है आपकी बॉडी। ठीक है, अब ये मेरा लैपटॉप है, अगर इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा। हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर अगर खराब है तो पीपीटी नहीं चलेगा। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर खराब है तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा या स्लो काम करेगा। इसीलिए आज की यूथ अगर आप देखेंगे तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला है, और बात बात पे वो लोग तोड़ने फोड़ने मारने की बात करते हैं, रीजन उनका सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है। और किसी के भी बच्चे का अगर सॉफ्टवेयर ठीक करना है, आज से 1 हफ्ते के लिए उसका मोबाइल छीन के लॉक कर दो,
सात दिन के बाद उसका या तो सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा या वो घर छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसको माँ बाप से ज्यादा अपना मोबाइल प्यारा है। ठीक है, सो इसीलिए अब जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो फाइटोविस का जो रिजल्ट आता है वो 100% आपका फिजिकल बॉडी में आता है, पैरेलली 100% आपका मेंटल बॉडी में भी आता है। तो यानी आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के ऊपर ये बराबर रिजल्ट देगा सर। सो आज के बाद अगर कोई पूछता है कि सर ये जो फाइटोविस प्रोडक्ट है जो आईपोस के प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या है, तो आपको इसी कॉन्फिडेंस की तरह बोलना है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि सर इसका रिजल्ट 200% है, 100% ऑन यूर मेंटल बॉडी, 100% ऑन यूर फिजिकल बॉडी। ठीक है ना, हमारे लिए दोनों का दोनों स्वस्थ रहना जरूरी है, दिमाग भी और शरीर भी। सो स्ट्रेस के बाद आता है दोस्तों फूड एडिक्शन। फूड एडिक्शन आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा। एडिक्शन क्या होती है, एडिक्शन मतलब किसी भी चीज की लत। है जी, हाँ लत, एडिक्शन मतलब किसी भी चीज की लत। इसी तरीके से अगर हम नोटिस करेंगे, हम लोगों को बार बार खाने की लत है। हमारे आयुर्वेदा में और हमारे एंशियंट कल्चर में, शास्त्रों में ये लिखा है, जब हम आयुर्वेदा सीखते हैं तो एक मील और दूसरे मील के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 3 मील 18 घंटे में। और आप खुद सोचिए, और आपके घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, हर 1 घंटे में हम खाते रहते हैं। सो यानी अगर हम पूरा दिन में 18 घंटे जागते हैं तो कम से कम 12 से 14 बार हम लोग खाते हैं। अब ये बार बार खाना क्या है, एडिक्शन। अब ये एडिक्शन से क्या होता है फ्रेंड्स, इस एडिक्शन से मेरी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। आप कभी भी नोटिस करना, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको नींद आती है। क्यों? क्योंकि शरीर की सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाता है। इसीलिए आज की डेट में लोग आलसी, लेथार्जी, काम नहीं करना, काम को टालना, जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के जो सेल हैं वो बन ही नहीं पाते हैं। आप सारा दिन, आपके बच्चे वो 1 घंटे के बाद चिलो पिटोटोस खाएगा, आधे घंटे के बाद आप उसको मोमोज दे दोगे तो वो बड़े होते ही एडिक्ट हो जाते हैं। किसके? बार बार खाने के। बार बार कौन खाता है? जानवर। इंसान को 6 घंटे का मिनिमम गैप देना है। उस 6 घंटे में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए आज की डेट में बीमारियां कंट्रोल नहीं हो रही है और होगी भी नहीं, जब तक आप अपने बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को नहीं समझ पाएंगे। सो फूड एडिक्शन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा वायरसेस। वायरसेस के बारे में सब जानते हैं, कोविड से जानते हैं या उससे पहले से जानते हैं? कोविड से। सो वायरस कुछ भी हो सकता है। वायरस का मतलब है एक इंसान ने अभी छींका, 2 घंटे के बाद दूसरे को खांसी लग गई या जुकाम लग गया, ये वायरस है। जो इंसान इंफेक्टेड होता है वायरस से, उसका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति वो कमजोर है। सिंपल साइंस है। मैं आपको हर एक चीज, हर एक बीमारी बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, साइंटिफिक वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। अब कोविड में क्या होता है, कोविड इज अ वायरस, उसके वर्जन कुछ भी हो सकते हैं, ओमिक्रॉन हो जाए, अभी एक X22 आ गया जिसमें यूएस के काफी लोग अभी परेशान है, ठीक है ना। तो वायरस कोई भी हो सकता है। वायरस आपकी या किसी की भी बॉडी में तब अटैक करेगा जब उसका रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होगा। अभी कोविड आने के बाद अगर आप लोगों ने नोटिस किया है, सबको वैक्सीनेशन हुआ है, 1-2 बूस्टर। एक ही बीमारी के लिए बार बार वैक्सीनेशन क्यों मिल रहा है हमें? क्योंकि वो वैक्सीनेशन काम नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती, ठीक है ना। सरकार इस चीज को पब्लिश इसलिए नहीं करेगी क्योंकि लोग हाहाकार मचा के सरकार को गिरा देंगे। तो ये टर्म्स कभी भी पब्लिश नहीं होती है, ठीक है ना। और आप एक और न्यूज सर्च करना, कोविड के बाद जब वैक्सीनेशन हुए, लोगों को 2-2, 3-3 डोज लगी है, लोगों को इसके विड्रॉल्स हुए। विड्रॉल समझते हैं आप?
किसी भी बीमारी के दुष्परिणाम, दुष्परिणाम मतलब विड्रॉल्स। सो वैक्सीनेशन के बाद लोगों को हार्ट अटैक, कैंसर, लीवर डैमेज, ये बीमारी बढ़ गया है। किस वजह से? वो जो एंटीबॉडीज मिला है ना, उसका विड्रॉल्स आ रहा है, ठीक है ना। अब आपके शरीर को जो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज मिला है, और एंटीबॉडीज जो कोई भी सरकार लगा रही है, अब फाइनली WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर किसी को कोविड या किसी भी वायरस से बचना है, उसको अपना इम्यून सिस्टम उठाना पड़ेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप बच जाएंगे, नहीं है तो सॉरी। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, यहां पर 100 लोग बैठे हैं, और अगर इंडिया की मैं बात करता हूं तो 135 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हमारे पास 135 करोड़ इम्यून सिस्टम है, हमारे पास 135 करोड़ ब्लड है। आपका और मेरा ब्लड ग्रुप तो मैच कर सकता है, ब्लड मैच नहीं करेगा। उसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी भी इंसान का दूसरे इंसान के थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता, सही कह रहा हूं सर मैं? पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं, सबका थंब इंप्रेशन दूसरे से मैच नहीं करता, करेक्ट है ना सर? दूसरा, आपका रेटिना दूसरे के रेटिना से मैच नहीं करता, ये भी करेक्ट है। जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं ना, उनका रेटिना स्कैन होता है, एक इंसान का रेटिना दूसरे से मैच नहीं करता। इसी तरीके से दोस्तों, हमारा, मेरा या आपका किसी का भी ब्लड दूसरे इंसान के ब्लड से मैच नहीं करता। ब्लड ग्रुप मैच कर सकता है, ब्लड मैच नहीं करेगा। इस ऊपर वाले ने, कुदरत ने, नेचर ने हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाया है। जो इंसान अपनी क्वालिटी और प्रतिभा और एफिशिएंसी पहचान जाता है, वो इंसान जीवन में आगे बढ़ जाता है। और जो इंसान अपना कैलिबर, क्वालिटी, दिमाग, माइंडसेट नहीं समझ पाता, वो पीछे रह जाता है। आप कभी भी ये नहीं सोचिए कि ये इंसान मेरे से बेहतर है और ऊपर वाले ने इस इंसान को मुझसे बेहतर बनाया है, नहीं। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाया है, और सबके अंदर क्वालिटीज है, बस फर्क क्या है, एक इंसान जो आगे है उसने अपनी क्वालिटीज पहचान लिया है, और जो पीछे है उसने अपनी क्वालिटीज नहीं पहचाना है। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, मैं आपको बताता हूं। आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें आपका दोष नहीं है, बट अगर आप गरीब परिवार में मर जाते हैं तो 100% दोष आपका है, क्योंकि परमात्मा ने आपको 40 साल 50 साल मेहनत करने के, आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर दिए, आप नहीं कर पाए, गलती आपकी है। किसी को कभी जिंदगी में ब्लेम नहीं करना कि मेरे पापा की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरी मम्मी की वजह से, मेरे दोस्त की वजह से, नहीं। अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है, अपने शरीर का बारे में आपको खुद सोचना है। तो वायरस बेसिकली क्या होता है, वायरस कौन बनाता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जितना भी कचरा हम फेंकते हैं उससे वायरस बनता है। वायरस मेरे शरीर में तीन तरीके से अटैक करता है, थ्रू एयर, जो मैंने एग्जांपल दिया, सांस, थ्रू फूड, जो हम खाना खाते हैं, थ्रू वाटर, जो हम पानी पीते हैं। अब ये तीनों चीजें ऐसी है जो हम बंद नहीं कर सकते, ना सांस लेना बंद कर सकते हैं, ना पानी पीना बंद कर सकते हैं, ना खाना खाना। तो वायरस हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा, ये बात आप लिख लो। वर्जन ऊपर आएगा, नीचे आएगा, छोटा आएगा, भारी आएगा, वो एक अलग चीज है, बट जिस चीज को हमने ही बनाया है, ऐसा तो नहीं ना कल से आप कचरा फेंकना बंद कर देंगे, तो ये जिंदगी भर हमारे साथ ही रहने वाला है। इससे बचना है, अपनी फैमिली को बचाना है, तो सिर्फ आपको अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का मतलब है, जो भी इंसान फाइटोविस को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, उसके ब्लड के हिसाब से, उसके सेल के हिसाब से, ये आपका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। अगर यहां पर 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग फाइटोविस कंज्यूम करते हैं, तो ये फाइटोविस 100 लोगों पे 100 तरीके से काम करेगा। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है बेसिकली? रेडिएशन ये होता है, अगर आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, सिटी स्कैन, पेट सिटी स्कैन, तो अगर आप देखेंगे कि जो लोग उस मशीन के पास खड़े होते हैं, वो लोग एक रेडिएशन का ड्रेस पहन के रखते हैं, और आप लोगों को, पेशेंट को, बिना ड्रेस के मशीन में डाल देते हैं। मशीन से रेडिएशन निकलता है।
आज की डेट में हमारा घर, ये कमरा, यहाँ पर वाईफाई चल रहा है, हमारा टीवी का रिमोट, एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सबसे रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन बेसिकली मेरे ब्रेन के, दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को डीएक्टिवेट करने में सपोर्ट करता है। जो सबसे ज्यादा रेडिएशन के पास रहते हैं उनका दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है या पुअर हो जाती है, वीक हो जाती है। इसीलिए मैंने छोटे बच्चों का एग्जाम्पल दिया था, जो 24 घंटे मोबाइल के साथ रहते हैं, जो 24 घंटे मोबाइल के साथ रहेगा उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा क्योंकि रेडिएशन। सो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, इसमें एंटी रेडिएशन इंग्रेडिएंट्स हैं। सो जो रेडिएशन से मेरे दिमाग, इसीलिए मैंने पहले बोला था 100% ऑन मेंटल बॉडी, 100% ऑन फिजिकल बॉडी। तो इसके अंदर जो एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट है वो मेरे रेडिएशन से दिमाग के जो सेल्स और न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो गए उसको दोबारा से एक्टिवेट करने में सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एयर पोल्यूशन। जब भी किसी सिटी या शहर का एयर पोल्यूशन खराब होता है, जितने भी लंग्स के पेशेंट है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, वो प्लास्टिक का इनहेलर यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि उनके लंग्स के पोर जो है वो डीएक्टिवेट ज्यादा होते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है या जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग सांस को ज्यादा लंबा गहरा ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की बजाय। क्यों? क्योंकि उनके लंग्स के पोर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ये मेरे लंग्स के पोर को वापस एक्टिवेट करता है। तो धीरे धीरे वो जो प्लास्टिक का पंप ले रहे हैं वो धीरे धीरे पंप लेना बंद हो जाता है क्योंकि आपके लंग्स ठीक होने स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड रेंडन गैसेस, ये समझ लेते हैं। रेंडन गैसेस क्या होता है? अभी हम लोग इस हॉल में बैठे हैं या इस अर्थ के किसी भी कोने में बैठे हैं, जमीन से कुछ एक इनविजिबल गैसेस निकल रहा है जो मेरे ऑर्गन को सड़ा रहा है। उसके मैं दो एग्जांपल आपको देता हूं। कुछ लोगों ने कभी भी शराब नहीं पिया उनको लीवर कैंसर हो जाता है, कुछ लोगों ने कभी भी सिगरेट नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया, उनको लंग कैंसर हो जाता है। पेशेंट भी परेशान, पेशेंट के घर वाले भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान कि हमारे बेटे ने तो कभी शराब को हाथ ही नहीं लगाया, लीवर कैसे सड़ गया। यह है कारण। वो एक इंसान 20 साल से 21 साल से एक ऐसे घर में रह रहा है जहां पर वो गैसेस उसके ऑर्गन को सड़ा रही है, उसे मालूम ही नहीं। और कैंसर कब पकड़ में आया? थर्ड स्टेज पे या फोर्थ स्टेज पे उसका पूरा जीवन खराब हो गया। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करते हैं, फाइटोविस जो भी कंज्यूम करता है अगर गलती से उसका ऑर्गन 10% 20% 25% अगर सड़ रहा है और उसको मालूम ही नहीं, तो फाइटोविस उस ऑर्गन को रिवर्स कर देगा यानी हील कर देगा। अब रिवर्स का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। हम लोग जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमारी हर इंसान की दो एज होती है, ये थोड़ा सा कंटेंट ध्यान से सुनना। एक एज होती है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है, जब आप मतलब पैदा हुए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल एज यानी आपकी फिजिकल बॉडी का एज। दूसरा एज होता है बायोलॉजिकल एज, ये बायोलॉजिकल एज मतलब आपके ऑर्गन का एज। तो जब अपन आप जितने भी लोग यहां 35 से ऊपर के बैठे हैं या 40 के आसपास के बैठे हैं, अगर आप लोग अपना बायोलॉजिकल एज चेक करवाएंगे तो आपका बायोलॉजिकल एज आता है 55 या 60। इसका मतलब आपके ऑर्गन आपसे 20 साल आगे जा चुके हैं। तो जब ऑर्गन 20 साल आगे जा जाएंगे तो काम करना स्लो कर देंगे। इसीलिए आज की डेट में 40 साल के लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं क्योंकि घुटने का एज कितना हो गया? 65। घुटने ने 65 साल काम कर दिया और आपका एज अभी कितना है? 39। तो जब आप फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, घर में जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे माँ बाप या और भी कोई दादा वगैरह, उनका ये बायोलॉजिकल एज रिवर्स